Hello and welcome to the channel Shining Stars Always With You. And now we'll see the explanation of India. ये जो टॉपिक है ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में एक नया टॉपिक है जिसमें आप आसियान, ईयू, चाइना जैसी कंट्रीज पढ़ते हो. इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर प्रेजेंटली यूएस, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज का टाइम है तो आने वाला वक्त इंडिया, चाइना, इजराइल और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज का है. क्योंकि ये हमारी कंट्री है तो हम कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लेकिन अगर हम वर्ल्ड के नज़रिए से देखें, पूरे विश्व के नज़रिए से देखें, तो इंडिया की पावर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है. और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आगे आने वाली जो सुपर पावर है वो भी इंडिया हो जाएगा, अभी इस वक्त पे जो कि USA है. और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की दुश्मनी भी है, आगे आने वाले वक्त में ख़त्म नहीं होने वाली, ये चलती जानी है. क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही अपने आप को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर देखते हैं और कोशिश करते हैं एक दूसरे से आगे निकलने की, बिकॉज दे नो फ्यूचर इज देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद. अगर हम इंडिया की पावर की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया को एक एमर्जिंग ग्लोबल पावर देखता है. इसकी जो पावर है ये मल्टी डायमेंशनल वे में बढ़ रही है. इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करो तो 130 करोड़ है, जो कि बहुत स्ट्रोंग है. और ऐसा नहीं है, 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वर्किंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए एक असेट होती है, क्योंकि वो पैसा कमा करके लाती है. अगर आपकी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा है आपकी कंट्री में, तो कहने का मतलब है उनकी एजुकेशन पर लगेगा और वो इतना ज़्यादा कमाएंगे नहीं, कमाते ही नहीं है. देन एज्ड पॉपुलेशन हो जाती है, ओल्ड पॉपुलेशन हो जाती है, उसका ये है कि वो कमाते तो नहीं है, उनकी हेल्थ पर खर्चा ज़्यादा जाता है. ठीक है, उनकी हेल्थ वगैरह पे ज़्यादा पे जाती है. और जितने भी डेवलप्ड देश हैं, चाहे यूके हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जापान हो, इन सभी कंट्रीज़ की ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनका लाइबिलिटी भी ज़्यादा है. और यहीं पर इंडिया को एक हेड स्टार्ट मिलता है, क्योंकि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसका असेट ज़्यादा है, यहाँ पर लोग कमा ज़्यादा रहे हैं. इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो $5 trillion की इकोनॉमी का हम लोग सपना देखते हैं. इंडिया की इकोनॉमी भी बड़े ही फास्टर रेट से बढ़ रही है. हालांकि कुछ टाइम से ये अभी स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था इंडिया में, तो लेकिन हमारा एक गोल है $5 trillion इकोनॉमी का. और हमारी इकोनॉमी, हमारा जो GDP है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है और हमें एक इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल कंट्री बना रहा है पूरे वर्ल्ड में. देन हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं. इंडियन डायस्पोरा वो लोग होते हैं इंडिया के जो लोग बाहर, इंडिया से बाहर जा कर के काम करते हैं. ठीक है, तो उनका इम्पैक्ट जो है इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है. वो रेमिटेंसेस भी सेंड करते हैं इंडिया को और काफ़ी अच्छा रोल उस चीज़ में प्ले करते हैं. ठीक है, देन इंडिया की मिलिट्री. इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है. और अब रिसेंटली तो हम कई सारे देशों को वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है कि ऐसा देश जिसके पास पहले कभी इंडिपेंडेंस के वक्त खाने को रोटी नहीं थी, आज वो मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रहा है. और खैर, सेल्फ सफिशिएंट तो इंडिया हो ही गया है. देन मेक इन इंडिया यहाँ पर एक और माइलस्टोन है इंडियन इकोनॉमी का. क्योंकि देखो, मेक इन इंडिया कहने का मतलब है कि घर में ही इंडिया चीज़ें बनाए जो वो इंपोर्ट कर रहा है. ठीक है, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो घर के अंदर ही हो, यानी कि इंडिया में ही हो. अभी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो रिसोर्स है वो इंडिया से बाहर निकल करके एक्सपोर्ट हो रहा है उन कंट्रीज़ में जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. तो इंडिया का ये गोल है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, क्योंकि इंडिया का वो रिसोर्स है तो वो इंडिया के ही काम आए. ऐसा नहीं कि वो एक्सपोर्ट होकर किसी और कंट्री में चला जाए और वहाँ पर उनके काम वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए. ठीक है, तो बेटर है कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो. सो दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड मेक इन इंडिया. अब जैसे काफ़ी सारा, अब जैसे जापान जैसी कंट्री है, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है नहीं,
वो सारा इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर वो लोग बेचते हैं, ठीक है। तो यही उनका फायदा है, उनकी इकोनॉमी इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर मेक इन इंडिया का भी स्पिरिट है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, ऐसा ना हो रिसोर्स तो हमारी कंट्री में है लेकिन हम उसे एक्सपोर्ट ही किए जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है। तो ये सारी चेंजेस जो है इंडिया को इम्पोर्टेंट, ये जितने भी हैं ये इंडिया को एक अच्छा पावर बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ गया है और ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है सिग्नल इंडिया के लिए। देन कई लोग कहते हैं इंडिया एक अगली सुपर पावर है। यहाँ पर मैंने समराइज किया है पॉइंट्स को एंड यू कैन हैव अ लुक। So, this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel and stay.